जम्मू कश्मीर की, जहां पर कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की हत्या के बाद आज फिर से कश्मीरी पंडित सड़क पर उतरे, जगह जगह प्रदर्शन किया, आगजनी भी की, आतंक के खिलाफ आवाज उठाई और फिर अपने दर्द को बयां किया। लगातार टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडित सरकार से नाराज हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी मांग रखी कि उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए ताकि आतंकवादियों के खिलाफ वो अपनी सुरक्षा कर पाए। ये रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद सोचिए कि लगातार जिस तरीके से सरकार ये बताती रही, कहती रही कि सब कुछ बदल गया है, क्या सच में जमीन पर इतना बदलाव आ गया है? हमको मारा गया है वहां पे और आज भी वो सिलसिला जारी है। कश्मीर में हालात साजगार नहीं है। प्रशासन का एक ही रुख ये रहा है कि हमारी जान जाती है, उसके बाद वो दूसरी कार्रवाई करते हैं। हमें उससे प्रश्न, कब तक ऐसा चलता रहेगा? आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी एक ही डिमांड है, ये चाहते हैं कि इनको रिलोकेट किया जाए। मुझे बस पता था मेरा पति जाएगा गाय के साथ, उतनी मार डालेंगे इसको। जो यहाँ पे रह रहे हैं वो वहाँ की रियलिटी हम जानते हैं, और सच यही है कि शोपियां में कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की हत्या के बाद फिर से कश्मीरी पंडित सड़क पर है। कहीं आक्रोश की आग धधक रही है, कहीं नाराजगी के स्वर निकल रहे हैं, और सवाल फिर से वही पूछे जा रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? शोपियां में टारगेट किलिंग के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने सड़क पर टायर जलाया, आतंक के खिलाफ खड़े होने के लिए सेल्फ ट्रेनिंग की मांग की ताकि वक्त पर किसी तरह से खुद की जान बचाने में काम आए। 1990 से लेकर आज तक जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको इंसाफ मिले, उनकी सिक्योरिटी हो, उनको सिर्फ नौकरियों से ही हल नहीं है, सिक्योरिटी भी दी जाए, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। जैसे एक RSS ने एक अपने आप को स्वयं RSS की शाखाएं जैसे लगती हैं, वैसे एक शाखा लगे, अपने आप को खुद प्रोटेक्ट, हिंदुओं को भी ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि देखिए हर जगह आर्मी नहीं आ सकती, कहीं ऐसा भी माहौल होता है जहां पे अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ता है। साल 2022 के 8 महीने में 15 से ज्यादा हिंदुओं की टारगेट किलिंग के बाद ये सवाल कश्मीर में बार बार खड़ा हो रहा है कि क्या 90 के दहशत का वो दौर फिर से लौट आया है जिससे कश्मीरी पंडितों के मन में डर का माहौल बनता जा रहा है। हमारा कहना ये है सर, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है टोटल फेल है। कश्मीरी पंडितों को पिछले, ये मैं क्या कहूँगा, 47 के बाद ही हम कश्मीरी पंडितों को पीड़ित किया गया है। ये हमारी मतलब जो 90s में माइग्रेशन हुई है, हमको मारा गया है वहाँ पे और आज भी वो सिलसिला जारी है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हम कश्मीरी पंडितों को वहाँ बचा नहीं पा रही है। ऐसी आवाज सिर्फ शोपियां से नहीं उठ रही है, शोपियां से लेकर बडगाम और बाकी जगहों पर भी अब कश्मीरी पंडित सड़क पर उतर आए हैं। हर जगह से वही आवाज उठ रही है कि सुरक्षा की बातें चाहे जितनी हो रही हो लेकिन इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी देने में पूरी तरह से फेल हो रही है। वो तो बड़े बड़े आश्वासन दे रही है कि हम सबको सिक्योरिटी देंगे, मगर वो हमें कहाँ सिक्योरिटी देंगे? जब वो हमें हमारे ऑफिस में सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हमें हमारे कैंपों में जहाँ पे हम रहते हैं वहां पर हमको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, थोड़ा घर से बाहर निकलते वहां पर हमको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर ये गवर्नमेंट हमें क्या आश्वासन देना चाहती है? ये झूठे आश्वासन हम पिछले 30 सालों से सुनते आ रहे हैं। मगर कश्मीर को लेकर केंद्र की सरकार का दावा है कि घाटी में रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर वो फिक्रमंद है। कश्मीरी हिंदुओं के पलायन को लेकर भी तर्क अलग है, लेकिन जमीन पर जो हालात दिख रहे हैं वो सरकार के तमाम दावों को झुठलाने के लिए काफी है। शोपियां से प्रदीप दत्ता और शेखपुरा से साहिल सोहेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कब तक सिर्फ कश्मीर को राजनीति का एक मैदान बना के इस्तेमाल किया जाएगा? कश्मीर की स्थिति बदलने के लिए कम से कम वहां से राजनीति को अलग हटके सीधा सीधा सरकार को देश और कश्मीर के जो हिंदू हैं उनके बारे में सोचना होगा।